हेलो दोस्तों, डॉक्टर रमीज हियर। व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज की वजह क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, ध्यान से सुनिए, आपको शायद समझ में आ जाए चीजें। देखिए, ग्लूकोज हमारे ब्लड में जब एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है, मेजोरिटी मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। टाइप 1 इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो इंसुलिन लिए बगैर कंट्रोल में नहीं रहती। टाइप 2 वो है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, टैबलेट से और कुछ कंट्रोल से संभल जाती है। जेस्टेशनल वो होती है जब हमें प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये समझिए कि आप एक शख्स एज ए पर्सन ग्लूकोज हो, दरवाजा जो है उस पर लगा हुआ ताला इंसुलिन रिसेप्टर है और आपको उस ताले को खोलना है, तो आपके पास जो चाबी है वो इंसुलिन है। आप ग्लूकोज हो गए, आपके हाथ की चाबी इंसुलिन हो गई, दरवाजे पे लगा हुआ ताला जो है वो इंसुलिन जहां पर बैठता है जा करके खोलना है जिसे ताला, वो ताला जो है रिसेप्टर हो गया। और जो दरवाजा जिस घर का है वो घर लिवर और मसल्स है। क्यों कहा मैंने घर? क्योंकि ग्लूकोज आपका जो आप खाते हो ब्लड से जा करके स्टोर हो जाता है मसल्स में और लिवर में। अब ये सब चलता कैसे है सिस्टम? देखिए, मेन टाइप 1 थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। टाइप 1 में आपके समझने के लिए आप ये जान सकते हो कि इंसुलिन जो है बनना कम हो जाता है। जितना इंसुलिन हमें चाहिए होता है ब्लड से ग्लूकोज को उठा के लिवर और मसल में शिफ्ट करने के लिए, उतना इंसुलिन बॉडी नहीं बना पाती। जब इंसुलिन कम रहेगा तो डेफिनेटली ब्लड में आपने जो खाना जो खाया है उसमें ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रहा है वो बड़ी भी मात्रा में होगा। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन की मात्रा कम होती है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज, जो कि 90-95% डायबिटीज का चंक है, बहुत मेजोरिटी चंक है। ये अच्छी बात है। टाइप 2 डायबिटीज अच्छी बात मैंने क्यों कही एज कंपेयर टू टाइप 1? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज एज कंपेयर टू टाइप 1 रिवर्स हो सकती है, आसानी से कंट्रोल हो सकती है। और बहुत सारे हमारी गलतियों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसे हम अगर सुधार ले तो टाइप 2 डायबिटीज सुधर सकती है, संभल सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है कई सारे केसेस में। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन कम नहीं बनता। होता यह है कि इंसुलिन अच्छी क्वांटिटी में होता है, इनफैक्ट कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो आप ग्लूकोज हो, आपका इंसुलिन आपकी चाबी भी सही है, लेकिन होता यह है कि वो जो ताला है, जो इंसुलिन रिसेप्टर है, वो चाबी वो जो ताले में जानी चाहिए वहां पर बीच में कोई अड़चन आ जाती है। लेट से समझ लीजिए कोई कचरा फंस जाता है, वो कचरा है आपकी चर्बी, वो कचरा है आपके खून में दौड़ने वाली चर्बी, आपकी बॉडी की चर्बी, बहुत सारी आपकी ओबेसिटी, मोटापा, आपका एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत हाई शुगर वाला, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई शुगर लोड वाला फूड खाना। ये है वो ताला और चाबी के बीच का कचरा। दोस्तों, अगर ताले और चाबी के बीच में बड़ा कचरा कुछ आ जाए तो ताला नहीं खुलेगा। ताला नहीं खुलेगा तो क्या होगा? आपका जो इंसुलिन है वो ताला खोल ही नहीं पाएगा। वो नहीं खुलेगा तो घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब लिवर और आपके मसल्स ग्लूकोज को अंदर लेंगे ही नहीं। जब ग्लूकोज को अंदर नहीं लेंगे तो क्या होगा? ब्लड जो है बहुत ज्यादा ग्लूकोज ले लेकर घूमेगा, और ग्लूकोज इतना ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड में हो जाएगा कि वो आपके ब्लड में भी दिखेगा, यूरिन में भी दिखेगा, और उसका असर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे होगा, आंखों पर, हार्ट पर, किडनी पर, ब्रेन पर, हर छोटी छोटी जगह। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि एक एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ हमारी, समझ लीजिए ये किडनी है, तो ये सुई है, ये इस तरीके से किडनी हमारी आहिस्ता 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 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में खराब हो रही है। इसकी नेचुरली खराब होने की स्पीड ये है। लेकिन समझ लीजिए, अगर आपकी शुगर 200 है तो इसकी स्पीड ये है, 300 है तो ये है, 400 है तो ये है। जितना ज्यादा आप शुगर लेवल रख रहे हैं ब्लड में, बॉडी में, उतने ज्यादा आपके ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। दोस्तों, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि सांप काटा शाम तक असर दिख जाएगा। दोस्तों, ये ऐसी बीमारी है जिसे हम प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। आहिस्ता 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 हमारी बॉडी को पूरा दीमक की तरह खा जाता है। अच्छी बात यही है इसमें कि हम इसे सब संभाल सकते हैं। 90-95% टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स कैन बी रिवर्स, कैन कंट्रोल। फ्रेंड्स, अगर हमने आज ये बात को नहीं समझी तो ये भी समझ लीजिए कि टाइप 2 डायबिटीज जो
जो है हमारी चर्बी जो हमने जिस्म में बढ़ा रखी है, खून में बढ़ा रखी है, हमारे गलत खानों की वजह से, हमारे वेस्टर्न कल्चर की वजह से, हमारे रेस्टोरेंट कल्चर की वजह से, हमारे क्रीमी फूड की वजह से, हमारे डेजर्ट लविंग फूड की वजह से, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, हमारे जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे स्ट्रेसफुल होने की वजह से, ये तमाम वजह को हम अगर कलेक्टिवली समझे तो इसे हम कहेंगे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल हमने हमारा बिगाड़ दिया है, इसलिए हमें टाइप 2 डायबिटीज और डायबिटीज की दूसरी बीमारियां आती जा रही है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारे लाइफस्टाइल को हम चेंज करें। जो ताले में गंदगी फंस गई है, ग्रीस फंस गया है, चर्बी फंस गई है, उसे निकालने के लिए जरूरी है सबसे पहले हम हमारा मोटापा कम करें, उसके साथ साथ हम हमारे खाने सही करें, उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज सही करें। हम जो बाहर रेस्टोरेंट कल्चर या फूड कल्चर या पार्टी कल्चर कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल करें, और कंट्रोल भी करने के साथ साथ सही चीजें खाएं। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम पसंद नहीं करते, हमें वो चीजें खानी चाहिए। तो हमारे ये समझने के लिए बहुत जरूरी था कि 90% डायबिटीज का पोर्शन टाइप 2 डायबिटीज है, जिसकी वजह हमारी गलतियां हैं। वो गलतियों को हम सुधारेंगे तो हमारे टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम्स बहुत लेवल तक कम हो सकती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम्स कम करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कम होगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लंगवे की प्रॉब्लम, पैरों की नसें जलना, सुन हो जाना, पैर कटने की नौबत आ जाना, जो है बहुत सारे बॉडी में शोल्डर के प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स को हम टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रख करके बहुत अच्छे लेवल पर मैनेज कर सकते हैं। तो हमें ये बात समझनी थी कि व्हाट आर द रूट कॉज। तो एक लाइन अगर हम समझेंगे तो रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डायबिटीज इज हमारा लाइफस्टाइल का बिगड़ना। हमारे लाइफस्टाइल को हमने सही किया तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा। आज ये हमारे समझने के लिए काफी था कि व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज और डायबिटीज। थैंक यू।